आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का दिन है, लेकिन 20 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब रायपुर के गायत्री नगर के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा नहीं निकाली जा रही है। जगन्नाथ मंदिर के अलावा प्रदेश के अन्य किसी मंदिर में भी किसी तरह का आयोजन नहीं किया गया है। इस मामले में जगन्नाथ मंदिर के अध्यक्ष पुनेन्द्र मिश्रा ने बताया कि आज रथ यात्रा के दिन भी मंदिर के पट बंद है। भक्तगण बाहर से ही पूजा कर वापस जा रहे हैं, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। साथ ही भगवान भी मंदिर में ही विराजमान है। दर्शनार्थियों ने कहा कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है, हमें इस तरह से दर्शन करना पड़ रहा है। भगवान के पट बंद है, इसलिए दूर से ही उन्हें निहारते हुए आरती कर रहे हैं। मंदिर में इस बार प्रसाद भी वितरित नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राजधानी रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा नहीं निकाली जा रही है। आज हम राजधानी के गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंचे हैं। यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि मंदिर का जो पट है वो बंद है, भक्त जो है वो बाहर से ही पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनी हुई है, यहाँ पर लोग जो है वो बाहर से पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो गजमुखी जो प्रसाद है वो भी यहाँ पर जो है बाहर से ही वितरित की जाने की जो परंपरा है वो निभाई जा रही है। इस बार जो है राजधानी रायपुर में भगवान के जो भक्त हैं वो दूर से ही निहारते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान जो है इस बार बाहर से नहीं निकल रहे, तो इस तरह का नजारा जो है वो राजधानी रायपुर के जगन्नाथ मंदिर का है वो सामने आ रहा है। हम कुछ भक्तों से भी बात करना चाहेंगे। आप इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली बार ऐसा हुआ रहा है कि जगन्नाथ भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, नहीं तो तीन रथ निकलते थे यहाँ से, वो कृष्ण भगवान के, उनके सुभद्रा भगवान के और बलभद्र भगवान के, तीनों रथ एक साथ निकलते थे और यहाँ इतनी भीड़ रहती थी कि यहाँ पर मैंने वो नहीं होते थे और यहाँ पर राज्यपाल मुख्यमंत्री भी आते थे। चलिए बात करेंगे।